दोनों हाथ आगे, पेट के बल लेटते हुए। अंतस योग में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम महिलाओं की बढ़ती हुई समस्या, बैक पेन, थाई फैट, हिप फैट को ले रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में ले आइए और एक पैर को पीछे से टर्न करते हुए दूसरी साइड ले आए। पैरों को फ्लेक्सिबल करने के लिए अच्छे से देख लीजिए। वन, वापस आइए। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट जिसका अभ्यास, चाहे आपको कितना भी बैक पेन है, कितना भी पैरों में प्रॉब्लम है। एट, वेरी गुड। नाइन, टेन, रिलैक्स। टेन के बाद अगर आप बिगनर्स हैं तो 10 से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रख लीजिए। ये जो हम पूरा सेट बता रहे हैं 5 एक्सरसाइज का, तो कोशिश कीजिए इसके 2 या 3 सेट होंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल पैरों को पीछे की तरफ खींचते हुए, पहले सिंपल वाला, श्वेता जी, सिंपल एक पैर को उठाना है। वन, होल्ड करके रखिए 5 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, एक बार और। हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट, दूसरी तरफ से उठाइए। 1, कमर को स्ट्रेंथ देने के लिए। 3, 4, 5, रिलैक्स। अगर आप बिगनर्स हैं तो सिंपल एक पैर को उठाएंगे। अगर आपका वजन 80 किलो से ज्यादा है तो भी आप एक पैर को उठाएंगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी यूज टू है तो आप इसका एडवांस ले, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1, 2, 3, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, रिलैक्स। 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। वेरी गुड, आपने लिखा, मैं भी कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारे सेशन के साथ साथ चलेंगे तो एक नई एनर्जी को फील करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर आप साथ साथ कर रहे हो, एक बार और करोगे, उठाइए। 1, 2, बहुत सुंदर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। पूरा सांस लीजिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा सांस चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को हम अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में खींचने से आपके सारी बाजू को, बैक को पूरी स्ट्रेंथ मिल रही है। तीसरा स्टेप है हमारा, सिंगल पैर को उठाएंगे अपोजिट हैंड के साथ। 1, अपोजिट, वेरी गुड। 2, वेरी गुड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, फिर से 10 सेकंड का रेस्ट। वेरी गुड। इस गर्मी को महसूस करो, ये जो गर्मी हीट उत्पन्न हो रही है बॉडी में, वही ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बाहर से हीट पैड लेने का इतना फायदा नहीं है जितना अंदर से। फिर से एक बार और करेंगे, ठीक है, उठाइए। 1, वेरी गुड। 2, 3, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, हाँ इंदु त्यागी जी, आप कैसे बैठे हुए हैं? हल्का हल्का एक बार ट्राई जरूर करें। 10, हाँ रेस्ट लीजिए, बैठना नहीं है, ठीक है। 10 बार नहीं कर सकते आप, 2 बार कीजिए, लेकिन बैठना नहीं है, राइट। एक नया एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा पेट दबेगा, बैली फैट कम होगा, बैक को स्ट्रेंथ मिलेगी। उसके बाद सिंपल सा बॉडी तैयार हो गई, सिंपल एक भुजंगासन ले लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच। दोनों हाथों को साइड में रखते हुए धीरे से सांस को भरते हुए बस ऊपर देखिए। अगर बैक को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है, राइट साइड से पीछे देखिए, एड़ियों को देखिए, दिखाई दे रही है? वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, दूसरी तरफ से देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, देखिए इन अंतस मेंबर्स की तो बॉडी तैयार है, अदरवाइज जो हमें देख रहे हैं वो डायरेक्ट उठाएंगे नहीं। प्लैंक की पोजीशन फिर हम ले रहे हैं, अभी जूम पे किसी ने शेयर किया था, वो लोग नहीं उठाएंगे। आप उठाइए बॉडी को, पीछे देखिए। वेरी गुड, पूरी उठाइए।
ये 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, रिलैक्स, शिथिलासन, एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5, पेट के बल लेटने वाली। 2 एक्सरसाइज हमारी सीधे लेटकर है, वेरी गुड, सीधे लेट जाइए। ध्यान से देखिए, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ दीजिए, दोनों हाथों को थाइस के साइड में रखते हुए धीरे से सांस को भरते हुए उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अगर आपने रेस्ट लेना है थोड़ा सा सांस ले लीजिए। कंटिन्यूसली आप देखेंगे आपका हिप्स, थाइस और बैली तीनों की टोनिंग के लिए हिप्स के नीचे हाथ लगा लीजिए। बॉडी को उठाइए, खड़ा करके रखिए, कोहनी के बल पर आ जाइए, वेरी गुड। ध्यान से एक एक स्टेप को ध्यान से समझकर, फिर एक पैर को आगे रखिए, 1 2 लेग चेंज और धीरे, श्वेता, हाँ वेरी गुड। तो हो सकता है ये जो बिगनर्स हैं उनसे ये स्टेप ना हो, तो आप ये स्टेप छोड़ दीजिए, आप ये स्टेप छोड़ दीजिए, खो दीजिए। 8 9 10, रिलैक्स, 10 सेकंड का रेस्ट। इसी में अभी हम ब्रिज मार्च भी करेंगे हिप फैट के लिए, ठीक है। लेकिन जिनको बैक पेन है वो इससे पहले वाली बस, अब वो बिल्कुल छोड़ दें एक्सरसाइज, ठीक है। अगर हिप फैट कम करना है तो इसमें करना पड़ेगा हमें ब्रिज मार्च। बॉडी को उठाइए, हिप्स के नीचे हाथ लगाइए और पैर को चेस्ट के ऊपर ले आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, हाथों को पलट कर रखें। देखिए अब फिर से बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका चक्रासन लगे, लेकिन हाथों को पलट के गर्दन को पीछे करके सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। श्वेता भी बॉडी मत उठाना, सिर्फ सिर को मोड़ के दिखाइए, बस ये देखिए। अगर जिनको सर्वाइकल है या दूसरे नंबर पे, देखिए आप ऐसे भी उठा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, गलती नहीं करना। अब उठाइए, वेरी गुड, वही वाह, क्या बात है, एक्सीलेंट। तो ये हमारा लास्ट, जिसमें आपका फैट लॉस के साथ साथ आपको बैक वालों को ध्यान रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन है तब आपके लिए चक्रासन अलाउ नहीं है, वो होगा ही नहीं पहली बार, तो उससे आप पहले वाली 6 एक्सरसाइज कर सकते हो। तो लास्ट में शवासन। फिर भी ये एक्सरसाइज अगर हैवी लग रही है आपको और आपने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो उसके लिए एक और एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं। राइट पैर को लेफ्ट पैर के अंगूठे और उंगलियों के बीच में रख लें, एड़ी को, और इसको उस साइड डाउन करें, बस। अब ये जो कमर उठी हुई है इनकी, ये देखिए, लोअर बैक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज, जिसने कभी कुछ भी नहीं किया उसके लिए। आइए वापस, लेग चेंज, ध्यान से देखिए। अगर पहली वाली एक्सरसाइजेज आपको हैवी लग रही हैं तो आप इस प्रकार का वर्कआउट करेंगे, कमर को उठा के थोड़ी देर होल्ड करेंगे। जिंदगी में कभी आपको बैक पेन की या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं हो सकती इन सभी एक्सरसाइज से। इन सभी एक्सरसाइज में मैंने 2-3 एक्सरसाइज वर्जित यानी नहीं करनी आपके लिए सजेस्ट किया है, पूरा पैकेज आपके लिए नहीं है। ओके मैम, 37 ईयर्स वेट, 93 फैटी लीवर, लेफ्ट नी पेन, ओके बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैटी लीवर के लिए सबसे पहले कि नाभि के आसपास आपकी चर्बी जमा होगी 93 में, तो आपने क्या करना है, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में और धीरे से सांस को बाहर निकालकर पैर को मोड़ते, 1 वापस,
टू बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए। किसी ने पूछा फैटी लीवर के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, क्योंकि आपने कहा आपका वजन 93 है, तो 93 में हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस एक्सरसाइज से आप अपने वजन की शुरुआत कर सकते हैं डेफिनेटली, जिससे 100% कम होना शुरू होगा। रिलैक्स, अभी इन्होंने तो 10 बार किया है, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज कम से कम 30 टाइम्स करनी होगी फैटी लीवर के लिए, ठीक है। शुरुआत आप 10 एक्सरसाइज से करेंगे, फिर अगर आपकी बॉडी अलाउ, अच्छा नेक में भी पेन है, ओके बताते हैं अभी नेक पेन है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो दोनों पैरों को एक साथ, वन ये आपका बेली फैट और लोअर बॉडी की फिटनेस के लिए, थ्री फोर सिक्स वेरी गुड सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स, शवासन बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, 20 सेकंड का रेस्ट, सांसों पर ध्यान, सांस भीतर जाए पेट फूले, सांस बाहर पेट अंदर, 8 से 10 लंबे गहरे सांस। जो इस समय बॉडी रिलैक्स हो रही है यही आपको सूचना देगी, कोई भी नया वर्कआउट जो चेंज करना है नई समझ की, जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल खाली होता है, तभी इन सभी एक्सरसाइज का अनुभव अंदर फीड होता है कि आपको दिन भर में कैसे चलना है, राइट। अब उठकर बैठिए, 2 एक्सरसाइज नेक पेन के लिए कोई पूछ रहा है तो वो बता देते हैं। इधर फेस कीजिए, बिल्कुल आलती पालती मार के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए, दोनों हाथों से अपनी कोहनियों को पकड़ते हुए धीरे धीरे पीछे देते हुए बांध, सांस को छोड़ते हुए स्ट्रेट, टू गहरा सांस भरते हुए, देख लीजिए सांस को भरते हुए पीछे जाएंगे। नेक की बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज, नेक के साथ साथ अगर आपके शोल्डर्स में पेन रहता है उसको भी रिमूव करने के लिए पीछे देखिए और हल्का सा पीछे करके होल्ड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गर्दन की रिलैक्सेशन के लिए थोड़ी देर आंखें बंद करके पूरा सांस लीजिए, वेरी गुड। सेकंड एक्सरसाइज, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में रखते हुए, दोनों हाथ कंधे पर और राइट साइड पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर लीजिए, गर्दन को भी साथ साथ घुमाइए, गर्दन और स्पाइन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। सामने देखिए, दूसरी तरफ से 1। ये एक्सरसाइज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए या जिनका लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा काम होता है उनके लिए, और इसी में फिर क्या करना है, 1 आगे से कोहनियों को मिलाते हैं स्कंद चक्र गति, गर्दन को थोड़ा ऊपर ही रखेंगे क्योंकि सारा दिन भर आपने गर्दन झुका के काम करना है, तो इसी में गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट रख लीजिए और आँखें बंद करके आराम आराम से 10 to 20 टाइम्स, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप आगे की तरफ नहीं चलाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए ये प्रिकॉशन सावधानी साथ साथ सुन लीजिए जूम पे जितने मेंबर हैं, और उसके बाद लास्ट चलते चलते एक और एक्सरसाइज बता दें। राइट हैंड को नीचे ले आइए और लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर रखते हुए ऊपर देखिए, गर्दन ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5 वेरी गुड। थैंक यू जी संगीता जी, आपके लाइव वीडियो देखकर 3 किलो कम किया है 20 दिन में, वेरी गुड, शाबाश। आपके लिए मैं क्लैपिंग कर रही हूँ, हमारे अंतस के मेंबर भी, मज़ा आ गया आपकी बात सुन के कि आपके लाइव सेशन देखकर 3 kg वेट लॉस किया है, बहुत अच्छी बात है। आप करते रहिए, हम आपको न्यू वर्कआउट बताते रहेंगे, आप हमारी मोटिवेशन के लिए पूरा बताइए कितनी एज है और कब से देख रहे हैं चैनल को, बिल्कुल क्योंकि ज़्यादा वेट कम हो रहा है।
मेंबर्स कह रहे हैं वही लाइव और जूम पे ज्यादा वजन कम हो रहा है, मजा आ गया तुम्हारी बात सुन के क्योंकि लोग लिख रहे हैं 10 किलो 15 किलो 6 किलो 8 किलो होता है, कभी कभी होता है ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ पीछे रख के हिप्स को हल्का सा उठा लीजिए, इसमें आपकी पूरी स्पाइनल फंसी तो उधर को मुंह करके हाँ ये देख लीजिए साइड से कैसे, ये देखिए आपकी गर्दन क्या कमर क्या, बिल्कुल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताई है ये सभी एक्सरसाइज। इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3-4 एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हैं अगर आपकी बॉडी यूज टू नहीं है। रिलैक्स, उसके बाद शवासन ले लीजिए। लाइव सेशन का क्या टाइम है? लाइव सेशन देखिए, एक तो हमारा मॉर्निंग बैच होता है उसमें तो हम फेसबुक पे दे सकते हैं जो भी हमसे बन पड़ता है, कभी कोई कैमरा पकड़ता है कभी हमारा कभी कोई पकड़ता है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से हम ले दे के आपको शेयर करते हैं ठीक है। फिर दूसरा बैच हमारा होता है ये 11 बजे, तो हम वार्म अप होने के बाद 11:20 पे 11:15 पे आपके साथ लाइव होते हैं। और एक बैच होता है हमारा इवनिंग का 4:30 का, तो उसमें भी अभी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो वो हम लाइव नहीं देते, अभी उनका लर्निंग प्रोसेस चालू है। बाकी आप मॉर्निंग या इस टाइम हमारे साथ लाइव कर सकते हैं 10-15 मिनट, लेकिन अगर पूरी नॉलेज चाहिए 1 घंटा 10 मिनट जुड़ने के लिए आपको हमारी ऑनलाइन जूम क्लासेस ज्वाइन करनी होगी जिसमें 100% चैलेंज है, कोई भी बीमारी नहीं रह सकती ना ही आपका ओवरवेट, किसी भी बीमारी से अगर कोई भी मेडिकेशन चल रही है उसकी 100% गारंटी है ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए स्वस्थ रहिए अंतस्योग।